एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऐप केसीएल फार्मेसी ऐप पर। और आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। हमने आपसे लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9, आपको याद होगा एनाल्जेसिक के बारे में बताया था कि दोस्तों एनाल्जेसिक दो प्रकार के होते हैं। एक एनाल्जेसिक होते हैं जो नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, जो कॉक्स लॉक्स को इनहिबिट करके आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं, और दूसरे होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्रेन में सिग्नल ही ना जाए। तो जो सेंसरी न्यूरॉन को ब्लॉक करने वाले आपके एनाल्जेसिक थे वो थे ओपॉइड एनाल्जेसिक, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं। आज की क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम दूसरी बात करेंगे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी, यानी दूसरे कैटेगरी वाली। तो आज का टॉपिक है एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, तो आज का चैप्टर देखा जाए तो इसका एक नाम हो सकता है एनएसएड्स, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और क्योंकि नाम से लग रहा है नॉन स्टेरॉयडल, यानी इनके स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग नहीं पाया जाएगा। क्या होता है स्टेरॉयडल रिंग दोस्तों? ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं 17 कार्बन का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं स्टेरॉयडल रिंग। और स्टेरॉयडल रिंग जिस दवा में नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। तो इस वाले जितने भी एनाल्जेसिक होते हैं, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, इन सब में स्टेरॉयडल रिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल। और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनता है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और उसी इन्फ्लेमेशन के कारण ही क्या होता है, पेन और फीवर बॉडी में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो हो जाएगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो अब इसकी मैकेनिज्म आपको पता ही है, इसकी डेफिनेशन फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दोज केमिकल एजेंट्स विच आर नॉन स्टेरॉयडल इन नेचर एंड दे आर बेसिकली यूज्ड टू इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड दे एक्ट एज बाय द एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक ड्रग्स, दे आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें दो कैटेगरी आती है, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है दोस्तों, वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो फीवर होगा, तो उसको कम करने के लिए क्या चाहिए, पैरासिटामोल, एंटीपायरेटिक। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो दर्द होगा, तो हमें क्या चाहिए, एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं जो बातें हमने लास्ट क्लास में की थी, उसी क्लास से फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दोनों एनाल्जेसिक का मैकेनिज्म बिल्कुल वही से शुरू होता है। हमने क्या बताया कि हमारे बॉडी में होते हैं सेल मेम्ब्रेन दोस्तों, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये आपको नोट्स पे नहीं मिलेगा तो आप इसको बोर्ड से इसको कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन है। और ये सेल मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार की इंजरी हो रही है, मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, या किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी अगर हमारे बॉडी में होती है, चोट है, एक्सीडेंट है, लड़ाई है, झगड़ा है, टूट फूट कुछ भी होती है, तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एराकिडोनिक एसिड, यानी हमारा मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन है एक कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलते हैं फ्री फैटी एसिड कंपाउंड, एराकिडोनिक एसिड। और ये एराकिडोनिक एसिड दो एंजाइम मैंने बताया था, कॉक्स और लॉक्स, इसमें कई कैटेगरी होती है, कॉक्स वन, कॉक्स टू, लॉक्स वन, लॉक्स टू, लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त है। कॉक्स एंड लॉक्स फुल फॉर्म साइक्लोऑक्सीजिनेज, लॉक्स लाइपोऑक्सीजिनेज। जब ये कॉक्स और लॉक्स एंजाइम काम करते हैं तो एराकिडोनिक एसिड बनाता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, दिस इज कॉल्ड पीजी। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है दोस्तों, ये दो काम करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, दिस इज कॉल्ड पायरेक्सिया। एक वर्ड आप जान लीजिए, थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड है, आप सब जानते हैं कि बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं, और सब लोग ये बताते हैं फीवर कहते हैं, नया वर्ड सीख लीजिए, बुखार को पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो अगर आप कहीं जाइए भैया पायरेक्सिया के लिए मेडिसिन दीजिए, तो कहीं बड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहता है, बहुत टेक्निकल बातें कर रहा है, ठीक है। तो पायरेक्सिया का मतलब फीवर होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसे पायरेक्सिया कहते हैं या फीवर कहते हैं। और दूसरा होगा इसमें इन्फ्लामेशन, यानी हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो दो काम करेगा, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा पायरेक्सिया, और इन्फ्लामेशन से क्या होता है हमारी बॉडी में पेन, यानी दो चीजें होने वाली है कि जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन काम करेगा बॉडी में फीवर और पेन दोनों ही स्टार्ट हो जाएगा। तो फीवर को कम करने के लिए हम जो दवा देते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक, क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। और दर्द को कम करने के लिए क्या देते हैं, एनाल्जेसिक। तो आपके जो इस चैप्टर में आप दवाइयां पढ़ने वाले हैं वो वही होते हैं बेसिकली, दे आर द कॉक्स इनहिबिटर एंड लॉक्स इनहिबिटर। कॉक्स इनहिबिटर और लॉक्स इनहिबिटर दोनों प्रकार की जो दवाइयां होंगी,
क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई मेडिसिन देंगे ये मेडिसिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, कॉक्स को भी और लॉक्स को भी, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जब कॉक्स और लॉक्स दोनों ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं होगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ना इन्फ्लेमेशन होगा, ना फीवर होगा, ना पेन होगा। ये हो गया। तो इन बीमारी को दवा के दूर करने के लिए दवाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स बना के अपने हिसाब से, बाकी नोट्स में ऑलरेडी है, क्योंकि नोट्स बहुत लिमिटेड है, डिप्लोमा का कोर्स बहुत छोटा है, लिमिटेड बस चीजें पढ़नी होती, इसलिए इतना एक्सप्लेन मैं एक्स्ट्रा इसलिए करता ताकि आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, आपको कंटेंट टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अदरवाइज ये सब भी आपके सिलेबस में नहीं, आपको बहुत कम पढ़ना है, बस कैटेगरी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन और ड्रग बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कल के फ्यूचर में आपको तैयारी करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो उस सब भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। तो ये ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी ड्रग है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक ड्रग, तो इसके क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस क्लासिफिकेशन को जरूर याद करके जाइएगा। और रही बात, ये बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है तो इसके बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक है, तो उस ट्रिक को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हो मेरे चैनल पे, आप वहां जाना, डालना एनएसएड्स क्लासिफिकेशन फनी ट्रिक, तो कैसे ट्यूटोरियल डालेंगे तो वहां पे खेल के आ जाएगा, तो उस ट्रिक की सहायता से भी आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक बीफार्मा वालों के लिए था, तो उसमें ड्रग्स ज्यादा है, जैसे आपकी कैटेगरी में दो ही तीन ड्रग है, उनमें एक कैटेगरी में 10-12 ड्रग है, 8 ड्रग है, तो ज्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं थोड़ा अच्छा तैयारी करना तो आप उस कैटेगरी को याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये 2-4 ड्रग वाली कैटेगरी ही आपके हिसाब से बहुत है डिप्लोमा के हिसाब से। तो इसमें क्लासिफिकेशन में कुल 7 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ये सारी कैटेगरी कैसे डिवाइड की गई है दोस्तों, ये डिवाइड की गई है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहला है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड होता है। दूसरा है, अगर सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव हो गया, अब इसमें ड्रग कौन सी है, एस्पिरिन और सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, एस्पिरिन आप जानते हैं, आपने डिस्प्रिन खाया है, एस्पिरिन के बारे में दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं जो कि आगे काम आएगी। एस्पिरिन एक ऐसी दवा है जो मल्टीपर्पज काम करती है। वो एस्पिरिन जब अगर आप इसका डोज, एस्पिरिन का डोज 50 एमजी तक, आप 20 एमजी, 25 एमजी, 50 एमजी तक लेते हैं तो वो एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, वो दर्द को दूर करता है। यही डोज बढ़ा के 50 के ऊपर ले जाएंगे तो ये फीवर पे भी काम करता है, एंटीपायरेटिक हो जाता है। और अगर इसी डोज को आप 75 से 150 मिलीग्राम तक ले जाएंगे तो ये ब्लड को थिन करता है, ब्लड थिनर होता है, खून को पतला करता है। और कब काम आता है, जब किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, वाल्व चोक करने लगते हैं, तो उस केस में डॉक्टर उसको एस्पिरिन 150 एमजी देते हैं, 75 एमजी देते हैं, क्यों, ताकि खून पतला हो जाए तो उसको ब्लड ब्लड में चोक करने की प्रॉब्लम ना हो, हार्ट अटैक की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें एस्पिरिन है, सोडियम सैलिसिलेट है, दो ड्रग आपको याद रखनी है। अगला है पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी दुनिया में कोई भी बढ़ता हो, बिफार्मा डिफार्मा कर रहा हो ना कर रहा हो, उससे आप कहिए कि 3 दवा का नाम बताओ तो पहला दवा का नाम देगा पैरासिटामोल। ये वही है पैरा अमीनो फिनॉल, आपको पता ही है कैसे नाम बनेगा, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ओएच लगा दो तो ये होगा फिनॉल, अब पैरा परिसंघ क्या लगा दो, अमीनो, दिस इज द पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। तो पैरा अमीनो फिनॉल में एसाइलेशन करा दो तो क्या बन जाएगा, पैरासिटामोल, यह होता है एसाइलेशन करा दो। तो ये पैरासिटामोल, इसका स्ट्रक्चर हमको अभी आगे पढ़ना है, हम देखेंगे। तो पैरासिटामोल इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके साथ साथ फेनेसिटिन, फेनेसिटिन भी पैरासिटामोल की तरह ही होता है, इसमें भी एसाइलेशन कराते हैं फिनॉल के साथ, NH2 ग्रुप नहीं होता है, तो फेनेसिटिन भी इसका दूसरा ड्रग है, याद रखिएगा। तीसरा है पैराजोलिन डेरिवेटिव, पैराजोलिन आप जानते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक ड्रिंक होती है जिसमें आपके नाइट्रोजन होते हैं, और पैराजोलिन डेरिवेटिव का जो इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों वो है एनालगिन। आपने बेलार्गन का नाम सुना होगा, एलार्गन का नाम सुना होगा, खाते ना दर्द के लिए दवाइयां, ये एनालगिन, ये वही दवा है एनालगिन। अगला आता है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, IAA, और इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, दिस इज इंडोमेथासिन, एक ड्रग याद करिए। इंडोमेथासिन ड्रग क्या होता है कि जब किसी इंसान को बहुत सीवियर गैस्ट्रिक पेन हो, पेट में दर्द हो, मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ ये दवा कब कहाँ काम आएगी। इंडोमेथासिन जब किसी को गैस्ट्रिक पेन हो, किसी को माइग्रेन की दिक्कत हो, उसके सर में दर्द बना रहता हो, तो इस सब पेन में हम लोग इंडोमेथासिन का यूज करते हैं। अगली बात करते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, और प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में अभी नाम से क्या लग रहा है कि 4 कार्बन 3 कार्बन प्रोपेन, और वहां पे क्या लग गया, ओइक एसिड, तो क्या जाएगा, प्रोपिनोइक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हम लोग बहुत यूज करते हैं, दिस इज आइबुप्रोफेन। आप लोग कहते हैं ना ब्रूफेन खा लो,
आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन का फुल फॉर्म होता है आइसोब्यूटाइल पैराफिनॉल, आइबुप्रोफेन, आइस आइसो ब्यू से ब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल प्रो से पैरा फ्लोर से फिनॉल, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन शॉर्ट नेम होता है आइबुप्रोफेन, जो बेसिकली आप लोग खाते हैं दर्द के लिए। आपने ये दवाई बहुत से लोगों को सूट नहीं करती है, तो डॉक्टर अक्सर इसको मना करते हैं आइबुप्रोफेन के केस में, इसको देख के खाइएगा। बाकी है फेनोप्रोफेन और कीटोप्रोफेन, ये दो अभी है जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आती है। अगला है ऑक्सीकैम्स, ऑक्सीकैम्स कैटेगरी के अंदर आते हैं ड्रग पिरोक्सिको, ठीक है। पिरोक्सिकैम एक ड्रग है जो कि ऑक्सीकैम कैटेगरी के अंदर आता है। और लास्ट है आपका पैराजोल डेरिवेटिव, पैराजोल भी एक आपका पैराजोल रिंग होता है हेटरोसाइक्लिक, और इसके अंदर आते हैं ऑक्सीफेनोब्यूटारोन और फेनिलब्यूटाजोल, ठीक है। ये इतनी दवाइयां हैं दोस्तों, ऑलरेडी नोट्स में है, तो ये आपको याद करना है और याद ध्यान से रखिएगा, क्योंकि एनएसिड्स यानी इस एंटी एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरी मन से ध्यान से इसको जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इस पर से जो लिमिटेड ड्रग है जैसे कि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, इन सभी ड्रग की हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो चलिए इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं आपके सामने है। बात करेंगे हम इसके पहले ड्रग की, ड्रग का नाम है एस्पिरिन, और आपको पता है एस्पिरिन का नाम होता है एस्टिल सैलिसिलिक एसिड, मैंने बताया था जो डिस्प्रिन वगैरह ड्रग है इसी के नाम से आती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन के साथ क्या है ओइक एसिड ग्रुप लगा है और एक साथ एसिल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम होता है आर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमेशा कलरलेस या व्हाइट क्लस्टर के फॉर्म में या व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं और इनका टेस्ट बिटर होता है। आपको पता है सारे मेडिसिन लगभग बिटर ही होते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसके साथ साथ ये अल्कोहल में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। आगे हम बात करें अगर इसके तो स्टेबिलिटी और स्टोरेज की, तो आपको पता है सारे दवाओं का स्टेबिलिटी स्टोरेज आपको साथ ही लिखना है कि वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखते हैं, ठीक है। और जो कंटेनर होता है उसको लाइट से भी बचाना है, क्योंकि ये लाइट के साथ डिकम्पोज हो सकता है। बात की ये यूज़ की, तो सबसे पहला यूज़ है कि एनाल्जेसिक होता है, आपको पता है कि मॉडरेट पेन जैसे कि हेडेक है, टूथेक मतलब दांत का दर्द है, इस सब में इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये एंटीपायरेटिक भी होता है, मैं बताया इसका डोज बढ़ाएंगे तो एंटीपायरेटिक की तरह काम करेगा। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये गाउट में हाई डोज के केस में गाउट को भी यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मार्केट में किस नाम से बिकता है, ब्रांड नेम देखिए डिस्प्रिन है, एस्प्रो है और एनासिन के नाम से, ये सब बहुत फेमस दवाइयाँ हैं जो बिकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म की, तो ये एस्पिरिन जो टैबलेट है वो बीपीआईपी में है, सॉल्युबल एस्पिरिन टैबलेट के फॉर्म में, एस्पिरिन एंड कैफीन टैबलेट के फॉर्म में, ये सर्दी खांसी के लिए, डिस्पर्सिबल एस्पिरिन टैबलेट के फॉर्म में, डिस्पोजिबल एस्पिरिन के फॉर्म में कोडीन के साथ, ये सब अलग अलग फॉर्मुलेशन मार्केट में आते हैं, ठीक है। एस्पिरिन के साथ एक गंदी बात ये भी है दोस्तों, जान लीजिए कि अगर इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो पेट में गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है गैस्ट्रिक, पैरासिटामोल और एस्पिरिन दोनों का। अगली सरकारी दवाई भैया हमारी सबसे रामबाण दवाई पैरासिटामोल, इसका केमिकल नेम पता है पैरामिनोफिनॉल होता है। स्ट्रक्चर मैंने बताया था पहले ही कि बेंजीन रिंग में OH लगा दिया तो फिनॉल, और NaCOH3CH3 लगा दिया तो एसाइलेशन कर दिया तो पैरामिनोफिनॉल हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी वाइट क्रिस्टलाइन या वाइट क्रिस्टल्स पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, बिटर टेस्ट होता है, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इसके साथ साथ ये ईथर और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें सेम वही, लाइट से दूर रखना है और क्लोज कंटेनर में इसको बंद करके रखना है भैया। यूज वही सेम पहले सा, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, पेन हेडेक में और अदर बॉडी में किसी भी प्रकार के मसल पेन ज्वाइंट पेन में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्रांड नेम क्रोशीन, मेटासीन, कालपाल, पैरामॉल, ये सब आप जानते हैं कि ब्रांडेड दवाइयाँ बिकती हैं। बात करते हैं ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन की, तो पैरासिटामोल टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, एलेक्सर के फॉर्म में भी, सस्पेंशन के फॉर्म में भी, टैबलेट यूएसपी के फॉर्म में भी और एलेक्सर के फॉर्म में भी अवेलेबल है। अब कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात कर लेते हैं, उसमें पहला ड्रग हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी, बताया था मैंने कि डेफिनेशन क्या होता है ऑलरेडी, पहले आपको पता ही है डेफिनेशन की, यहाँ पे आप देखिएगा। अब पहला ड्रग है इंडोमेथासिन, तो इसका इंडोमेथासिन दिखा, ये इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है IAA, इसमें देख रहे हैं आप इंडोल रिंग लगा हुआ है, उसके साथ साथ उसमें कुछ कंपाउंड्स लगे हुए हैं, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजिल 5-methoxy-2-methyl इंडोल 3-aryl एसिटिक एसिड, ओके। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये पेल येलो यानी कि कुछ पीले रंग का होता है, येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, बिटर इसका टेस्ट होता है, इसके साथ साथ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। स्टोरेज वही है पहले की तरह, वेल क्लोज कंटेनर में रखना है और इसको लाइट से भी बचा के रखना है, ठीक है। ये बेसिकली रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एक्यूट गाउट, डिस्मेनोरिया, कैंसर, इस केस में इसको हम यूज़ करते हैं इस दवा को। डोजेस फॉर्म कैप्सूल के फॉर्म में भी आते हैं और सपोजिटरी के फॉर्म में भी ये मिलते हैं इंडोमेथासिन। ब्रांड नेम की बात करें तो ये इंडोकैप, इंडोसिन और इंडोसिन के नाम से ये बिकता है। अगला ड्रग है फेनिल, दोस्त फेनिलब्यूटाजोन, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है एग्जाम के हिसाब से, तो
फेरियल बिटाजोन का पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है। आप देखिए इस पर रिंग पायरोजोरिडीन रिंग है जिसमें 3 और 5 नंबर पर डाइओन ग्रुप लगा है, 2 नंबर पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के साथ बेंजीन लगा है, और 1 नंबर पर आप देख रहे हैं कि ब्यूटिल ग्रुप लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-ब्यूटिल, 1-2-डाइफेनिल पायरोजोरिडीन, 3-5-डाइओन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस हैं, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर हैं, और सॉल्युबल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में और ईथर में काफ़ी अच्छे सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, स्टोरेज की बात करें वही सेम कहानी है, क्लोज कंटेनर, लाइट से बचाना है। यूज़ की बात करें तो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, रूमेटाइड फीवर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक्यूट गाउट है, डिसमेनोरिया है, और मैलिग्नेंट डिजीज में यूज, पेन में ये यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन इसके फेनिलब्यूटाजिन टैबलेट आता है BPIP, और फेनिलब्यूटाजिन सपोजिटरी भी मिलती है BP के फॉर्म से। ब्रांड नेम इसका ब्यूटाडेक्स और एरिस्टोपायरिन नाम से ये मार्केट में मिलता है। तो ठीक है फिर दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 10 तक हम लोगों ने खत्म कर लिया है। बस बहुत ही लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, और 100% आप इसी में सारे क्वेश्चन आप पाएंगे एग्जाम में, आप देखिएगा। तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो आप ग्रुप चैट में मुझसे आप सजेशन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी इशू हो मैं आपको तुरंत सॉल्व करूंगा, आप ऐप में ग्रुप चैट से मुझसे बात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।